आसिम रियाज। अब आसिम रियाज के नाम से कौन नहीं पहचानता, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आसिम रियाज कहां से आए हैं बिग बॉस 13 में? अगर नहीं तो आप सभी को बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस 13 के घर में आने के बाद आसिम रियाज को कौन नहीं पहचानता। आसिम रियाज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और आप सभी को बता दूं कि अगर बिग बॉस 13 में आने के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी किसी ने पाई है तो उनका नाम है आसिम रियाज। आप सभी को बता दूं कि आसिम रियाज बिग बॉस 13 में आने से पहले बस एक सिर्फ छोटे से मॉडल थे जिन्होंने कुछ ऐड में काम किए हैं। आप सभी को बता दूं कि आसिम रियाज एक छोटी सी रोल में एक फिल्म में भी नज़र आए थे, लेकिन उसके बाद आसिम रियाज को कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हाथ नहीं लगा और आसिम रियाज लगातार संघर्ष करते रहे बॉलीवुड में। उसके बाद जो है उनको बिग बॉस 13 में आने का ऑफर मिला। आप सभी को बता दूं कि आसिम रियाज को बिग बॉस 13 में आने से पहले कोई नहीं जानता था और यहां तक कि जब आसिम रियाज का नाम सामने आया था कि वो बिग बॉस 13 में आने वाले हैं तो बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि इनसे जो है क्या उम्मीद कर सकते हैं, बिग बॉस 13 के घर में इनको क्यों लाया जा रहा है और इनको पॉपुलरिटी भी नहीं है। जिसके बाद जो है आसिम रियाज पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस 13 में आने के बाद आसिम रियाज ने यह साबित कर दिया कि कौन है आसिम रियाज और उनको जो है बिग बॉस 13 में लाना बिल्कुल सही डिसीजन था बिग बॉस के मेकर्स का। बिग बॉस 13 में आसिम रियाज के गेम से प्रभावित होकर कई बिग बॉस के विजेता और पूर्व बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स ने आसिम रियाज को सपोर्ट किया, जिसमें गौहर खान और जो है प्रिंस निरोला का नाम भी शामिल है। वहीं आप सभी को बता दूं कि आसिम रियाज ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी अपने मुरीद बनाया, जिसमें अक्षय खन्ना और वरुण धवन थे। आप सभी को बता दूं कि आसिम रियाज को सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड से भी सपोर्ट मिला। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आसिम रियाज को जॉन सिन्हा ने सपोर्ट किया और उनके दो फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी रखा, जिस पर लिखा था # आसिम रियाज फॉर द विन ही चेंज माई माइंड, जिसके बाद से आसिम रियाज की पॉपुलरिटी हॉलीवुड तक पहुंच गई। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की टीम ने जो है आसिम रियाज को सपोर्ट किया था अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए और उन्होंने उनका स्वागत किया था फास्ट एंड फ्यूरियस के टीम में। जिसके बाद ये अभी खबरें भी आने लगी है कि उनको फास्ट एंड फ्यूरियस जो है 10 के लिए कास्ट किया जा सकता है। तो आसिम रियाज ने बिग बॉस 13 में आने के बाद कई सारे पॉपुलरिटीज और कई उपलब्धियां भी हासिल की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि खबरें ये भी आ रही है कि आसिम रियाज को अगले सीजन के लिए खतरों के खिलाड़ी के लिए भी साइन किया गया है। वहीं आसिम रियाज को महेश भट्ट बॉलीवुड में जो है डेब्यू फिल्म भी दे सकते हैं। तो आसिम रियाज बिग बॉस 13 में आने के बाद बहुत सारे उपलब्धियों को अपने जो है हाथ में पाया, क्योंकि आसिम रियाज ने बिग बॉस 13 के घर में बहुत अच्छा गेम दिखाया और जो है उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, चाहे उनकी बॉडी हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी हो, चाहे उनकी विचार हो, चाहे उनके एक्शंस हो, चाहे उनके घर में काम हो, सभी ने सराहा और उन्होंने सभी को प्रूव कर दिया कि आसिम रियाज एक जो है बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा है। आप सभी को बता दूं कि आसिम रियाज के फैन फॉलोइंग अब पूरे विश्व में हो चुकी है और खबरों की माने तो आसिम रियाज को बहुत जल्द जो है बॉलीवुड में भी बड़ा ब्रेक मिल सकता है। वहीं हॉलीवुड में भी उनको कुछ चांसेस देने की भी खबरें आ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि फास्ट एंड फ्यूरियस के 10वें जो है पार्ट में आसिम रियाज को मौका मिल सकता है। तो आपको कितना ज़्यादा एक्साइटेड है आसिम रियाज को लिए और आपको क्या लगता है कि आसिम रियाज क्या बॉलीवुड में अपना नाम बना पाएंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे नए अपडेट के साथ।